संध्या बच्चों बच्चों आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे संस्कृत में समय। संस्कृत में समय कैसे देखें, कैसे जाने, इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको काफ़ी समस्या होती है। तो आज हम इसमें देखेंगे संस्कृत में समय। ठीक है, संस्कृत में समय कैसे देखें, क्या होता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम संस्कृत में जो समय होते हैं, समय आप सभी लोग जानते हैं, एक पूर्ण समय होता है, एक सवा होता है, एक पौने होता है और एक साढ़े होता है। जैसे 12:30 बज रहा है, ठीक है, हम बोलते हैं 3:15 बज रहा है, 3:45 बज रहा है ना, 1 बज रहा है, तो 1 बज रहा है तो ये पूर्ण समय हो गया। ठीक है, 2:30 बज रहा है, ये सार्ध समय यानी आधा समय हो गया। ठीक है, 3:45 बज रहे हैं तो ये पौने का समय हो गया। तो ये इस तरीके से अलग अलग प्रकार के जो समय होते हैं, यहाँ पर आज मैं सबको बताऊंगा कि आप संस्कृत में इनको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं पूर्ण समय। पूर्ण समय जैसे देखिए 1 बजे, आपने बोला कि किसी ने बोला कि अभी कितना बजा, तो आपने कहा 1 बज गए हैं भैया, 1 बजे हैं, 1 बजे हैं। अब 1 बजे को संस्कृत में बोलेंगे 1 वादनम। क्या बोलेंगे? 1 वादनम। संस्कृत में 1 बजे को 1 वादनम बोलेंगे। और 2 बजे हैं, 2 बजे को क्या बोलेंगे? द्विवादनम। द्विवादनम, द्विवादनम मतलब 2 बजे हैं। इसी तरीके से त्रिवादनम 3 बजे, चतुर्वादनम 4 बजे, पंचवादनम 5 बजे, षडवादनम 6 बजे, सप्तवादनम 8 बजे, अष्टवादनम 8 बजे, नववादनम 9 बजे, दसवादनम 10 बजे, एकादशवादनम 11 बजे और द्वादशवादनम 12 बजे। ये आपका पूर्ण समय है, पूरा पूरा समय है। ठीक है, अब सपाद। सपाद का मतलब होता है सवा। क्या होता है? सवा। जैसे 1:15, अब हम बोलते हैं कि 1:15 हो रहा है, तो उसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि 1:15 रहा है। कोई कोई ये भी बोल देता है, किसी ने पूछा भैया कितना टाइम हुआ, तो उसने बोला कि 1:15 रहा है। कितना बोला? 1:15। अब 1:15 को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो 1:15 को हम संस्कृत में बोलेंगे सपाद 1 वादनम। सपाद 1 वादनम, ये देखिए सपाद 1 वादनम। 1:15 को हम संस्कृत में बोलेंगे सपाद 1 वादनम। सपाद 1 वादनम, ठीक है। तो इस तरीके से उसको हम बोलेंगे सपाद 1 वादनम, 1:15। उसी तरीके से देखिए 2:15 को क्या बोलेंगे? सपाद द्विवादनम। 3:15 को सपाद त्रिवादनम। 4:15 को सपाद चतुर्वादनम। 5:15 को सपाद पंचवादनम। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 5:15 है। 6:15 को सपाद षडवादनम। 7:15 को सपाद सप्तवादनम। 8:15 को सपाद अष्टवादनम। 9:15 को सपाद नववादनम। 10:15 को सपाद दशवादनम। तो इस तरीके से हम सब में सपाद जोड़ते चल जाएंगे और उस 1:15 में परिवर्तित हो जाएगा, यानी 10:15, 9:15, 7:15, 8:15। तो जो 15 मिनट का समय है उसको हम क्या बोलते हैं? सपाद बोलते हैं। सपाद का मतलब होता है 15 मिनट बीत गया है आगे का समय। ठीक है, जैसे 5:15 हुआ तो उसको हम बोलेंगे सपाद पंचवादनम, यानी 5:15 हो गया। ठीक है, तो ये आपका सपाद हो गया, यानी 1:15 का जो समय है वो हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है, उसके बाद इसमें देखिए अगला है सपाद एकादश वादनम। 11:15 यानी 11:15 अगर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सपाद एकादश वादनम, और 12:15 हुआ तो उसको बोलेंगे सपाद द्वादश वादनम, या आप बोल सकते हैं 12:15। क्या बोलेंगे? 12:15, 11:15, 12:15, 10:15, 9:15, ऐसे बोलेंगे उसको। और संस्कृत में बोलेंगे सपाद 9 वादनम, सपाद 10 वादनम, सपाद 11 वादनम, सपाद द्वादश वादनम। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो समय है सार्ध, यानी साढ़े। सार्ध का जिसको हम लोग हिंदी में साढ़े बोलते हैं, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 2:30 बज रहा है, या 2:30 बोलते हैं, 3:30 बोलते हैं, तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? संस्कृत में बोलेंगे जैसे 1:30 बज रहा है, 1:30 को संस्कृत में बोलते हैं सार्ध 1 वादनम, 1:30 या 1:30 बजे। ठीक है, तो 1:30 बजे को हम संस्कृत में बोलेंगे सार्ध 1 वादनम। 1:30 को भी वहीं बोलेंगे सार्ध 1 वादनम। सब एक ही है, बस नाम अलग अलग है। कोई 1:30 बोलता है, कोई 1:30 बोलता है, कोई 1:30 बोलता है, तो सबका चीज़ एक ही है, टाइम एक ही है, बस लोगों के कहने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है, तो
1:30 बजे को हम 1:30 को सार्ध एक वादनम, 2:30 को सार्ध द्विवादनम, 3:30 को सार्ध त्रि, 4:30 को सार्ध चतुर्वादनम, 5:30 को सार्ध पंचवादनम, 6:30 को सार्ध षड्वादनम। ठीक है, इस तरीके से इसको हम करते हैं। अगला देखिए, 7:30 को सार्ध सप्तवादनम, 8:30 को सार्ध अष्टवादनम। अब 9:30 को हम क्या बोलेंगे, 9:30 को सार्ध नववादनम, 10:30 को सार्ध दसवादनम, 11:30 को सार्ध एकादश वादनम और 12:30 को सार्ध द्वादश वादनम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अगला देखिए, उसके बाद है पादोन। पादोन मतलब पौने होता है, जैसे हम बोलते हैं 9:15, 11:30, 12:30, 11:30, 12:30। ठीक है, तो इस तरीके जो पौने का समय होता है वो पादोन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, पादोन के अंतर्गत। देखिए, जैसे 12:45 को हम बोलेंगे 12:15, क्या बोलेंगे 12:15। 12:15 को संस्कृत में बोलेंगे पादोन एका, पादोन द्वादश वादनम। अब इसमें देखिए एकादश मिस्टेक से हो गया है, यहाँ पे द्वादश एक नहीं होगा, द्वादश होगा, पादोन द्वादश वादनम यानी 12:15। 1:45 को पादोन द्विवादनम, क्या बोलेंगे पादोन द्विवादनम यानी 2:15 बज रहा है। 2:45 को 2:45 बोलते हैं और 2:45 को संस्कृत में बोलेंगे पादोन त्रिवादनम। 3:45 को 4:15 बोलते हैं और 4:15 को संस्कृत में बोलेंगे पादोन चतुर्वादनम। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद 5:45 को हम बोलते हैं 6:15, 6:15 को संस्कृत में बोलेंगे पादोन सप्तवादनम। 7:45 को बोलते हैं 7:45, 7:45 को संस्कृत में बोलेंगे पादोन अष्टवादनम। 8:45 को संस्कृत में बोलते हैं 9:15, तो यहाँ बोलेंगे पादोन नववादनम। और 9:45 को संस्कृत में बोलते हैं 9:50, तो 9:50 को पादोन दसवादनम बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगला देखिए, 10:45 को पादोन क्या बोलेंगे एकादश वादनम यानी 10:45। ठीक है, और 11:45 को हम क्या बोलेंगे 12:15, तो पादोन द्वादश वादनम, पादोन द्वादश वादनम यानी 12:15। ठीक है, अब देखिए एक और समय है, तो मिनट में समय अगर आपको दिया हुआ है 2:05, तब इसको आप कैसे कहेंगे, इसको आप संस्कृत में बोलेंगे पंच पलोत्तर द्विवादनम। पंच पलोत्तर का मतलब होता है पंच पल उत्तर, पल मतलब समय, पंच मतलब पाँच, उत्तर मतलब बीत गया, यानी 2:05 समय क्या हो गया, उत्तर हो गया यानी ज़्यादा हो गया, चला गया। तो 2:05 को हम संस्कृत में बोलेंगे पंच पलोत्तर, पंच पल प्लस उत्तर। इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे, पंच मतलब पाँच, पल मतलब समय होता है, उत्तर मतलब बाद का, यानी 2:05 हो गया, यानी 2 बजने के बाद 5 मिनट और एक्स्ट्रा हो गए, तो उसको हम बोलेंगे पंच पलोत्तर द्विवादनम। अगर 4:05 हो गया तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पंच पलोत्तर चतुर्वादनम। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है 6:07 हो गया तो इसको संस्कृत में बोलेंगे सप्त पलोत्तर षड्वादनम, सप्त पलोत्तर षड्वादनम। ठीक है, उसके बाद 4:10 हुआ तो इसको क्या, अब देखिए जब 4:10 हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आप 10 कलाधिक चतुर्वादनम आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 कलाधिक चतुर्वादनम। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि 10 पलोत्तर चतुर्वादनम, 10 पलोत्तर चतुर्वादनम आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 10 कलाधिक चतुर्वादनम। उसके बाद है 4:55, 4:55 को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, अब 4:55 हो गया इसका मतलब कि 5 बजने में 5 मिनट कम है, तो इसको हम संस्कृत में बोलेंगे पंचकला न्यून पंचवादनम, पंचकला न्यून पंचवादनम। इसका मतलब हुआ कि 5 बजने में 5 मिनट कम है। ठीक है, तो इस तरीके से संस्कृत में जो समय है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। यह वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या फिर वो 6, 7, 8 किसी भी क्लास में संस्कृत पढ़ रहा हूँ, संस्कृत में अगर समय पढ़ रहे हैं तो ये सभी बच्चों के लिए वीडियो समान रूप से उपयोगी है। तो सभी लोग इसको देखें और संस्कृत में समय कैसे देखते हैं, समय कैसे जाने, समय देखना संस्कृत में सीखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।